हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रोज भाग्यश्री। INBCN के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। ओल्ड धर्मा ऑफिस में स्पॉट हुए कैटरीना कैफ और अयान मुखर्जी। सलमान खान ने मुंबई में मीडिया के साथ अपना 54th बर्थडे किया सेलिब्रेट। इस मौके पर सलमान खान ने मीडिया के साथ केक कटिंग किया और बहुत एक्साइटेड लगे। सलमान के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है कि सलमान एक बार फिर से मामा बन गए हैं। मामा बनने की खुशी और फिल्म हिट होने की खुशी को लेकर भी सलमान बहुत खुश है। पिक्चर की न्यूज़ बहुत अच्छी है। यस्टरडे आई मेट सम टू पीपल एट द पार्टी जिन्होंने पिक्चर देख के आए। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें कंट्रीब्यूशन है फैंस का, जो कि दे गोइंग एंड वॉचिंग ईच एंड एवरी फिल्म। और 100 करोड़ की पिक्चर भी फ्लॉप मानी जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिन भर के इंतजार के बाद अपने जन्मदिन पर सलमान खान अपने बालकनी में आए और अपने फेवरेट अंदाज में हवा में हाथ हिलाकर थैंक यू कहा। आयुष शर्मा और अर्पिता के घर में एक बेटी का जन्म हुआ है और उनके लिए खास तोहफा है, क्योंकि बेटी का जन्म सलमान खान के जन्मदिन पर हुआ है। हॉस्पिटल में आयुष और अर्पिता को शुभकामनाएं देने पहुंचे कई सारे सेलिब्रिटीज और फैमिली के लोग, जैसे कि हेलन, आयुष शर्मा, बाबा सिद्दीकी, सोहेल खान विद सिम्बा खान और किड्स, जाहिर इकबाल, अतुल अग्निहोत्री विद अलवीरा, संगीता बिजलानी और डेजी शाह, अरबाज खान विद सन एंड गर्लफ्रेंड, सलीम खान और भी कई सारे सेलिब्रिटीज। शाम को सलमान खान अपने निज को देखने हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने वहीं पर मौजूद एक फैंस द्वारा लाया गया केक भी कट किया और अपने परिवार में आए न्यू बोर्न बेबी से मिले और फिर अपनी कार में बैठ कर निकल गए। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ।